So, hi everyone, very good afternoon to all of you people here, and welcome to the session for today. Today we are going to discuss the part 2 of the science series, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन के बारे, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे, बिकॉज ये दोनों टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन CDS CFF में आ जाते हैं, और आज हम ऑप्टिक्स का टॉपिक कोशिश करेंगे पूरा करने को, so that we can move on to the next topics in the coming classes, right? All those people who are there in this session, I just need to announce you people that we are having a comprehensive batches for CDS and CAPF starting after every 15 to 20 days. New batches are going to be started in a very comprehensive manner. तो जिनको भी अगर Unacademy पे सब्सक्राइब करना हो, इस रेफरल कोड को जरूर लगाएं and get the 10% off on the subscription. This is the referral code which you can use to get 10% off subscription पे और optics पे जरा start करेंगे. इस चीजों के बारे समझाने से पहले कुछ announcements हैं. I'll take your first five minutes to discuss certain offers which are available. Like grand combo offer है जी. एक साल की अगर आप subscription ले रहे हो, you are going to get a 1 year SSB subscription free. 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपके पास टाइम है. अगर आपने किसी ने भी सब्सक्राइब करना है तो इस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, और साथ के साथ एक और ऑफर है कि 1 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ, 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 2 महीने की सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिले. तो बढ़िया टाइम है इस समय, 31 जुलाई तक ये ऑफर चल रहा है, सब्सक्राइब करिएगा. और आज आखिरी दिन है चार्जेस का, क्योंकि कल से प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं 10% ऊपर. जो आप साल की सब्सक्रिप्शन 8800 में ले रहे थे, अब वो हो जाएगी 9680 की. सो 10% इनहांस हो गई है, 4000 वाली 4400 हो जाएगी. और अगर अभी इस पे आप ले रहे हो तो 10% ऑफ भी मिल जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग इट एट 10% ऑफ. सो प्लीज डू सब्सक्राइब Unacademy Plus. इफ एनीबॉडी ऑफ यू वांट टू सब्सक्राइब हियर, definitely they should use this referral code Prateek Takshila to get 10% off. एक और चीज, आज से नया बैच स्टार्ट हो रहा है CDS OTA का, जिसमें all these educators are going to take up the classes with you people in a very comprehensive, very efficient manner. We will be completing whole of the syllabus in a very comprehensive, जहां पर हम previous year question सारा syllabus अच्छे से cover होगा, राइट. सो जिनको भी सब्सक्राइब करना, ये टाइम है. अगर आप लोग सच में टारगेट कर रहे हैं CDS का, नवंबर में पेपर है, दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन द क्लासेस एंड प्रिपेयर फॉर योर CDS एंड CAPF, राइट. और फरवरी का भी अटेम्प्ट है, साथ के साथ ही जैसे ही नवंबर का खत्म होगा आपका फरवरी का अटेम्प्ट है, उसके बाद सीधा CAPF का पेपर फिर से आ जाएगा जी. तो ये तीन एग्जाम्स वन बाय वन है, गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद यू. Subscribe Unacademy Plus by using this referral code Prateek Takshila. Clear है जी? बिल्कुल जी. आप में से किसी ने भी subscribe करना जरूर करिएगा and get the 10% off on this. आइए जरा ये भी चीज आपको बता रखी है, 6 महीने की अगर आप ले रहे हो तो 1 महीने की subscription free है, 12 की लोगे तो 2 महीने की, 24 की लोगे तो 4 महीने की. ये कुछ बातें थी, अब आ जाइए टॉपिक पे. जो कल हमने रिफ्लेक्शन समझा था, आई होप एवरीबॉडी रिकॉल्स द थिंग्स व्हिच वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे. वी डिस्कस्ड अबाउट द कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर के 6 केसेस समझे थे. मैं आशा करता हूं आपको क्लियर हुआ है. अगर किसी को भी अगर कोई इशू हो तो प्लीज बताइएगा जरूर, लेकिन पढ़िएगा जरूर उस चीज के बारे. मैंने बहुत आसान बना दिया आपको वो 6 केसेस कैसे याद करने. रियल एंड इन्वर्टेड कब इमेज बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट कब बनती है, प्रॉपर लॉजिक से आपको ये समझा दिया गया. आज हम जो समझने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन. हमने पहले समझा था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन पे भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमें समझनी बहुत जरूरी है. रिफ्रैक्शन होता क्या है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो इट विल डिविएट फ्रॉम इट्स पाथ, जो एक्चुअल पाथ है उससे डिविएट होगी. अगर तो ये जो बी मीडियम है इट इज डेंसर और ये रेयरर मीडियम है, ए मीडियम इज रेयरर,
एंड बी मीडियम इज डेंसर, तो जब रेयर टू डेंसर जा रहा है इट विल गो टुवर्ड्स नॉर्मल, इट विल गो टुवर्ड्स नॉर्मल, याद रखिएगा ये डिबेट हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर ये डेंसर टू रेयर जा रहा है इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सभी लोगों को बचपन से वैसे याद भी है, लेकिन एक तरीका बताता हूँ ताकि कल को पेपर में भूले मत, डी आर ए डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, आर डी टी टूवर्ड्स नॉर्मल। आपने कई बार देखा होगा पेंसिल को अगर आप ग्लास में डाल के रखें, वेन यू सी फ्रॉम अ ग्लास यू विल फाइंड इट इज बिट टिल्टेड, ये थोड़ी टूटी हुई दिखती है, दैट इज बेसिकली इज शोज अबाउट रिफ्रैक्शन। होता क्या है, ये रे ऑफ लाइट जो जा रही है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, इट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड, इट इज चेंजिंग इट्स पाथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सभी लोग जरा कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिएगा कि यार अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, आपको भी पता लाइट की दो चीजें हम जानते हैं, एक वेवलेंथ होता है और एक फ्रीक्वेंसी होता है। वेवलेंथ क्या होती है, एक मीडियम से इस प्रकार जो वेवलेंथ है दिस इज बेसिकली अ वेवलेंथ, क्लियर है। ये एक कॉन्टिन्यूस क्रेस्ट और ट्रफ को मिला के इसको वेवलेंथ कहते थे, इसको कहते हम लैम्डा, समझ गए जी। और ये कितने एक मिनट में एक सेकेंड में जा रहे हैं उसको हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी, क्लियर है जी। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग, द फ्रीक्वेंसी एंड वेम, फ्रीक्वेंसी के इतना एक सेकेंड में कितनी ऐसी वेवलेंथ जा रही है, तो ये दोनों चीजें होती है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। और तीसरी चीजें होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं सी। एक्चुअल में आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। मेरा यहां पर आप लोगों से सभी से सवाल ये है कि दोस्त जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है तो इनमें से कौन सी चीज चेंज नहीं होती, क्या वेव लाइट की स्पीड चेंज होती है या नहीं, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है या नहीं, या वेवलेंथ चेंज होती है नहीं, आपने इसका आंसर करना है मेरे को। विच थिंग डज नॉट चेंज अमंग दीज थ्री, स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम वेरी बेसिक्स वन नीड्स टू नो। बेसिकली जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं तो भाई फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, ना ही फेज चेंज होता है, बट वेवलेंथ और स्पीड चेंज होती है। स्पीड नहीं जी, निधि सैनी जी, इट्स फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू, दिस इज अ क्वेश्चन तीन चार बार एग्जामिनर पूछ चुका आपके पेपर में, इसलिए बताया, याद रखिएगा इट इज फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया सभी को जी, सो इट पासस। ये सभी को एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो लाइट जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर तो टूवर्ड्स नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी प्रकार आगे देखते हैं, तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है। एक स्नेल्स लॉ भी याद रखिएगा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या साइन आर बाय साइन आई आप कोई भी लगा सकते, लेकिन तब ये म्यू टू ऊपर आ जाएगा, ये नीचे, याद रखिएगा ऑपोजिट होंगे। समझ आ गया जी, तो इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द टू इंडेक्सेस, जैसे लाइट और नीचे पानी है तो उस हिसाब से दोनों का इंडेक्स को लेंगे। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। सो व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट टुवर्ड्स नॉर्मल, हमने ये बात की है आर डी टी, एंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर डी आर ए, और चेंज ऑफ मीडियम डज नॉट अफेक्ट फ्रीक्वेंसी एंड फेस। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स यूपीएससी इज आस्क्ड इन द सीडीएस पेपर, एनडीए पेपर, एवरी पेपर। सो चेंज ऑफ मीडियम डज चेंज द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी स्ट्रेंज सेम। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, शायद आपको कहीं ना कहीं काम आए पेपर में। क्लियर हो गया जी सभी को? Yes, Mr. Kundu, I take up GS part with you people. I have been taking geography very comprehensively with you, polity, history, science also. And other thing is, I have taken up the paper 2 with you people for CFF AC. So, ऐसा कहीं problem नहीं होगा आपको GS में, इतना मैं कह सकता हूँ। Please check out my course, recent course for science, if anybody is facing any issue. आप तीन चार सेशंस को देखिए, अपने आप समझ आ जाएगा यार साइंस बहुत आसान है, कॉम्प्रिहेंसिव भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो। जरूर चेक करिएगा जो लोग प्लस पे हैं ऑलरेडी मेरी क्लासेस फॉर साइंस, गो टू माय प्रोफाइल, यू विल गेट टू नो।
और जो लोग अभी ऑलरेडी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, आई कैन अश्योर यू दिस थिंग, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस इन द क्लासेस. वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ जनरल स्टडीज. नेक्स्ट आइए जी. अब अगर देख के रिफ्रैक्शन सभी को समझ आ गया, डेविएशन ऑफ द पाथ. अब रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं हमारी लाइफ में जो देखते हैं हम. एक आपने प्रिज्म भी देखा होगा, क्योंकि प्रिज्म भी एक डेंसर मीडियम है, इट टुवर्ड्स द बेस जाता है. इवन रेनबो में भी आपको रिफ्रैक्शन मिलेगा, बेंट पेंसिल, सनसेट में भी आपको रिफ्रैक्शन मिलेगा जी. तो ये सभी एक एग्जाम्पल है अबाउट ऑल दीज थिंग्स. जरूर लीजिएगा जी. शुक्ला जी मैं यही कह रहा हूं, अभी नए बैचेस शुरू हुआ आज से, डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब. एंड आई प्रॉमिस यू जीएस विल नेवर बी अ फोबिया. आपका दिसंबर का अटेम्प्ट बहुत अच्छा जाएगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर किया जाएगा. अब एक और चीज मेरे को समझानी है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये भी काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता भी है जी, एप्लीकेशन बेस्ड आता है, पर समझ भी आना चाहिए TIR होता क्या. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है पर होती कहां से, रिफ्रैक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रिफ्लेक्शन. हाउ रिफ्रैक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रिफ्लेक्शन, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. दैट्स द पॉइंट व्हिच वी आर गोइंग टू नाउ अंडरस्टैंड. जब एक मीडियम से, याद रखिएगा, TIR होने के लिए दो कंडीशंस पक्की नेसेसरी हैं. इट शुड ऑलवेज मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आजकल बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहा है. तो इट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, नंबर वन थिंग. सेकेंड थिंग, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अगर आपको TIR समझना. अभी समझा देता हूँ भी. अगर आप देखें, ये मीडियम है डेंसर मीडियम पानी, और यहां से लाइट जा रही है जी. अगर ये लाइट जा रही है डेंसर टू रेरर, सो DRA अवे फ्रॉम नॉर्मल. अब एक और एंगल बढ़ाएं इस तरफ, तो और इधर जाएगा. एक एंगल ऐसा आएगा कि आप ऐसे करोगे तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक. इस चीज को हम कह देते हैं क्रिटिकल एंगल, IC. इज एवरी वन क्लियर अबाउट दिस थिंग नाउ? डेफिनेटली माई डियर, इफ एनी बडी नीड्स द नंबर, यू कैन जस्ट व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर 7341111783. आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी CDS या CFF में, मैं पक्का कह रहा हूँ. GS में शुक्ला जी नोट सिंगल इशू, CDS में तो बहुत आराम से भाई. हमें 20 का टारगेट है, मैं 40-50 तक गारंटी से कह रहा हूँ हम क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं. आइए जरा इस चीज को देखें. ये इंसिडेंट लाइट है जा रही डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम. तो जैसे जा रही है इट गोस टुवर्ड्स दिस. जैसे ही आप इसका एंगल और बढ़ाएंगे तो ये क्रिटिकल एंगल है जिसमें ये बिल्कुल ऐसे जा रही है. आप इससे और बढ़ाओगे इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक. और इसको कह रहे हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही लेकिन रिफ्लेक्ट बैक हो रही है लाइट, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज TIR. इसका सबसे बेहतरीन और सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा, कौन सा? ऑप्टिकल फाइबर, जो आप इंटरनेट की वायर यूज करते हैं उसके अंदर डेंसर मीडियम होता है. ये डेंसर से रेयरर मीडियम जा रहा है, इस प्रकार रिफ्लेक्ट बैक हो रही है लाइट, और बहुत स्पीड से जा रही है क्योंकि लाइट की स्पीड से ये लाइट जा रही है. एंड दैट इज दिस TIR प्रिंसिपल पे है, ऑप्टिकल फाइबर. समझ गए जी सभी लोग? इवन डायमंड, अगर आपने देखा हो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड में एक बारी जब किरण चली गई, जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो भाई रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. इस प्रकार ये कीप ऑन मूविंग और ये रिफ्लेक्शंस होती रहती. तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ऑल्सो ड्यू टू TIR, ऑप्टिकल फाइबर इज ऑल्सो TIR, एंड द लास्ट थिंग मिराज. मिराज आजकल गर्मियों में आप देखोगे कि सड़कों पर आपको लगेगा पानी है, वो भी एक एग्जाम्पल है TIR का. तो ये तीनों याद रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हाट इज इट, आई होप एवरीबडी इज क्लियर. रिफ्रैक्शन पे ये पॉइंट को पक्का फोकस में रखें. क्या चीज? कि रिफ्रैक्शन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा तो रहा है लेकिन फ्रिक्वेंसी और फेज कभी नहीं चेंज होते. वेवलेंथ और स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस, दैट्स अ पॉइंट विच इज टू बी मार्क्ड. बाकी सिंपल चीजें एप्लीकेशन पूछेगा तो हो जाएगा.
आप लोगों को लेंस के 6 केसेस और कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज के 6 केसेस, ये भी बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों को कल के कनकेव मिरर के 6 केसेस हैं, वो बिल्कुल सेम है कन्वेक्स के, यहाँ पर उल्टा जी, ये भी मार्क करिए, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर आर हैविंग 6 केसेस, ये लिख लीजिएगा। इनके 6 केसेस हमने जो कल 6 केसेस इसके किए थे, वही 6 केसेस इसके हैं। जिन्होंने जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। इसमें 2 केसेस हैं, आइए जरा इसमें भी देख लेते हैं। इसमें बहुत सिंपल कन्केवेक्स लेंस को देखेंगे, इनकी एप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इनके काम है, क्या चीज़ है। आपको याद होगा कल हमने शुरू किया था इन्फिनिटी से, यहाँ पर 2F बियॉन्ड 2F में होगा तो कहाँ पर बनेगा, बिटवीन F एंड 2F। जब 2F पर है तो 2F पर बन गया, सेम साइज का बन रहा है, याद आ रहा है सभी को जो कल पढ़ा था। जब आप 2F के अंदर जाओगे बिटवीन F एंड 2F तो बियॉन्ड 2F बन जाएगा। इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड, सभी केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड केसेस बन रहे हैं। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। और अगर फोकस पे है तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, इन्फिनिटी पे, हाईली मैग्निफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, सभी वही केसेस हैं। आखिरी केस वो उसमें भी यही था, यहाँ पर भी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या जब फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में है तो भाई यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो पीछे बन रहा है मिरर के। यही चीज हमने उसमें पढ़ी थी कनकेव मिरर के केसेस में, बिल्कुल डिटो सेम है। तो याद रखिएगा, ये हम कल भी कर चुके हैं और आपको ये समझ भी आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड और कौन सा वर्चुअल एंड इरेक्ट। जिनको भी ये पहली बार देख रहे हैं, मेरा पिछला वीडियो इसी में होगा, साइंस वाले में, चेक करिएगा ताकि आप समझ पाए। तो दोस्त अब एक चीज और देखनी है जी, लेंस का फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इस पे भी। पहले तो भाई लेंस का फॉर्मूला वहां पर मिरर का था, वन अपॉन फोकस इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू। ये क्या है, वी और यू, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी है इमेज डिस्टेंस, और वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज बेसिकली अ फॉर्मूला फॉर लेंस फॉर्मूला। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वन बाई बी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। सो दिस इज लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं वो। अब आता क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैग्नीफाइंग पावर, ये भी आप समझ लीजिए, वी अपॉन यू या हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी कोई चक्कर नहीं। अब निकालना अपने को केस कौन सा समझना, पावर, ये पेपर में 2-3 बारी पूछोगे, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन फोकल लेंथ, बट दिस फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स। यहां पर बहुत जनता गलती करती है, और पावर का जो लेंस का हम किस में मेजर करते हैं, डायोप्टर में, आंसर हमेशा डायोप्टर में आता है, तो फोकस हमेशा मीटर में होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। एक एग्जांपल लूंगा, अगर सपोजली किसी की फोकल लेंथ किसी लेंस की 20 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, इसकी पावर कितनी होगी, 1/20/100 होगा, मीटर में कन्वर्ट करना तो कितना हो गया, 100/20, तो कितनी होगी, 5 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस। आई होप यू पीपल आर क्लियर। इसको 1/फोकस इन मीटर्स करेंगे, और इन मीटर्स करने के लिए 20 सेंटीमीटर/100 करेंगे, क्योंकि 20 सेंटीमीटर इसको मीटर में करेंगे तो कितना होगा, 1/5, 1/5 कितना हो, 5 डायोप्टर पावर की लेंस। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस पावर ऑफ लेंस। रिमेंबर दिस थिंग, पावर ऑफ लेंस दो प्रकार होता है, एक होता है कन्वेक्स मिरर लेंस का, एक होता है कनकेव का। याद रखिएगा, कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है और कनकेव का नेगेटिव होता है, ये चीज भी याद रखिएगा। मेरे दोस्त सारा सा एक्सप्लेन किया, शुक्ला जी कोई टेंशन ही ना लीजिए, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजें कवर होंगी। अगर आप IIM के लिए, OTA के लिए, FCAT के लिए, किसी के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, जस्ट सब्सक्राइब फॉर 1 ईयर, यू विल हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, दैट्स व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू। चेकआउट करिएगा, फ्री स्पेशल क्लासेस भी चेक करना चाहते हैं कोई भी, रात के 9 बजे वी हैव अ फ्री स्पेशल क्लासेस, इफ एनीबडी ऑफ यू वांट टू अटेंड, डेफिनेटली दे कैन अटेंड द क्लासेस देयर आल्सो। आइए जरा इस चीज को देखें, कन्वेक्स इज पॉजिटिव
एंड कनकेव इज नेगेटिव। इस चीज को समझते हैं, ये याद रट्टा मार के रखिए कि कन्वेक्स की हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कई बार आपको कहे पहचानी है ये चीज। अब जरा एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। नेट पावर अगर हम तीन लेंसेस को डालें, एक लेंस ये है, दो लेंस, नेट पावर कितनी होती है? पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। अगर हम दो लेंस को इकट्ठा जोड़ रहे हैं, तीन लेंस को इकट्ठा जोड़ रहे हैं, तो उनकी पावर ऐड होती है। ठीक, एक चीज ये याद रखनी है। दूसरा मैंने कहा कन्वेक्स की क्या होती है, इट इज पॉजिटिव, और कनकेव की नेगेटिव, क्या? फोकल लेंथ। ये भी याद रखिएगा जी। अब जरा चीज समझाता हूं। अगर हम बात करें कि दो लेंस को मर्ज किया, एक की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एक की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, आपने टोटल पावर निकालने को कहा, जनता क्या करेगी जी वो भी बता देता हूं। वॉट यू विल डू इज नेट फोकल लेंथ निकाल लोगे 10 प्लस 20, तो आ गया 30 सेंटीमीटर, और फिर इसकी पावर निकाल ली 1/30। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज उसने पी वन प्लस पी टू कहा, तो आपको नेट पावर क्या होगी, 1/10 10/100 प्लस 1/20/100, तो ये कितना हो गया, 10 प्लस 5, तो 15 डायोप्टर इसकी पावर हुई। यहां पर आपका आंसर आ रहा 30, 1/30, तो ये गलत हो गया, 15 डायोप्टर इज द राइट आंसर। डू रिमेंबर दिस थिंग, P1 प्लस P2, और P1 क्या होगा, इनवर्स ऑफ 1/ फोकल लेंथ, तो मतलब इनको ऐड करिएगा। ये सभी को समझ आ गया जी, ये सभी को, इसको आप कह सकते हो 1/10 मीटर, इसको आप कह सकते हो, समझ आ गया जी सभी को, ये 1/5 मीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे, इस प्रकार हम फोकस। ये कई बारी क्वेश्चन आ चुका है, पावर पे भी पूछ रहा है, पावर ऑफ लेंसेस डायोप्टर, अगर पॉजिटिव लगा तो मतलब क्या जी, इट्स अ कन्वेक्स, इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज कनकेव। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर। कन्वेक्स मींस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस दोस्त, बिल्कुल बेसिक अगर समझ जाते कोई चक्कर नहीं। कन्वेक्स इज विच इज दिस थिंग, दिस इज कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग। दूसरा होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब इस प्रकार, अब यहां पर अगर लाइट आएगी, इट विल कन्वर्ज द लाइट टुवर्ड्स दिस प्लेस, इधर से लाइट आएगी तो इधर जाएगी, लेकिन डाइवर्जेंस में क्या होगा, लाइट अगर इसमें से लेंस से पास करी बाहर को, इसमें से पास करी तो बाहर को, क्लियर होगा मिस्टर शर्मा? आइए आगे दोस्त, डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं बार बार कहूंगा आप हिंदी से अंग्रेजी माध्यम की तरफ फोकस करने की कोशिश करें, काफी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके, क्योंकि मेंस आपके पेपर में वो जो है पेपर 2 अंग्रेजी का भी आना, तो अंग्रेजी को यहाँ से इम्प्रूव करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। आइए जरा अगली चीज समझे, डिस्पर्शन। लाइट डिस्पर्स करती है, जब एक प्रिज्म से पास होती है लाइट, तो दोस्त यहाँ से लाइट पास हो रही है, इट विल डेविएट इनटू डिफरेंट कलर्स। Whenever light comes, it disperses. That is the meaning of dispersion. और इसका order याद रखेगा, विब के और, अभी इस चीज को समझाता हूँ जी। Everybody please concentrate. यहाँ से भी question आने के chances हैं, dispersion होता है। जब आप light इसमें से pass कर रही है, तो ये deviate होगी। Paper में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा light deviate कौन सी होती है? समझ रहे हैं? सबसे ज़्यादा light, और इनमें आपको भी पता, normal light में विब के और ये 7 रंग होते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही होता है जी, अभी समझ रहे हैं। इसमें वेवलेंथ जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो बढ़ेगी, सबसे ज्यादा रेड की होती है, और इधर फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है, वॉयलेट की, ये याद रखे। इस तरफ वेवलेंथ बढ़ेगी, इस तरफ फ्रिक्वेंसी कम होगी, ये चीज याद रखेगा। तो डिस्पर्शन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वेवलेंथ, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम डिस्पर्शन। तो यहां पर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, रेड की, तो सबसे कम डिस्पर्शन ऊपर रेड होगा,
सबसे कम किसकी वेवलेंथ विद वायलेट की, तो वो सबसे नीचे होगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रहेगा सभी को, डिस्पर्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये वर्ड याद रखिएगा, डिस्पर्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम डिस्पर्शन। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी? रेड की। तो इसीलिए सबसे कम ये नीचे जा रहा है, ये रेड दिख रहा है। इसकी सबसे कम वेवलेंथ है वो है विब वॉयलेट, वो सबसे इधर। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट माई कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्शन हेयर। लॉजिक सभी को समझ आ गया? जी जरा अगर समझ आया तो प्लीज अपना यहाँ पर येस और नो करिएगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई एम एबल टू रियलाइज वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू टीच यू यू पीपल आर गेटिंग। क्लियर है जी? और जिनको भी अनअकैडमी पे पढ़ना है भाई, मैं बार बार कहूंगा, बेटर देन एनी अदर मोड, अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, एवरीथिंग इज कवर्ड एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। सो डेफिनेटली प्लीज डू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड। क्लियर हो गया जी? इसी प्रकार एक स्कैटरिंग है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखिएगा। जो स्कैटरिंग होता है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस चीज को भी याद रखिएगा। व्हाई स्काई अपीयर ब्लूज, व्हाई स्काई अपीयर ब्लू, दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग। व्हाई वाटर अपीयर्स ब्लू, दैट इज स्कैटरिंग। अब है क्या स्कैटरिंग? स्कैटरिंग होता है जब किसी रास्ते में लाइट के जितनी वेवलेंथ उतनी ही वेवलेंथ का कोई पार्टिकल उसके रास्ते में हो, तो वो स्कैटर करेगा, वो डेविएट होगा। इस कारण इसको कहते हैं, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन अ पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स एंड इट्स सब्सिक्वेंट रेडिएशंस। एक खिलरती है लाइट, उसको हम स्कैटरिंग कह रहे हैं। समझ आ रहा है जी? आपने वैसे ये रट के भी रखना है, स्कैटरिंग भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? वेवलेंथ के। ये भी याद रखिएगा। और सबसे कलर स्काई कौन सी होती? ब्लू। एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस थिंग? लेट मी शो यू वन मोर थिंग। कई बार एप्लीकेशन पूछता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो स्टार ट्विंकलिंग होता है वो किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन, रट्टा मारना, रट्टा मारिए, ट्विंकलिंग टमटमाते हैं जो, ये चीज इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और सनसेट एडवांस डिलेड होता है, और सन एडवांस सनराइज, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू विच वन? रिफ्रैक्शन। ये दोनों उदाहरण याद रखने हैं जी। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दीज थिंग्स नाउ? आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर। ये लिख लीजिएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के उदाहरण, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। साथ साथ नोट्स बना सकते हैं रिविजन के लिए। एवरी वन इज क्लियर अबाउट दिस थिंग? डिस्पर्शन और स्कैटरिंग याद रखिएगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम डिस्पर्शन, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग, ये याद रखिएगा। वाई स्काई अपीयर ब्लू, वाई वाटर अपीयर ब्लू, दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग, ये याद रखिएगा। आने वाले टाइम पे हम टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे जिसमें स्कैटरिंग ही होती है। एक और चीज, कलर्स, प्राइमरी कलर्स आप लोगों ने बचपन से पढ़े होंगे, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, इन्हीं को मिक्स करने से कोई ना कोई कलर बनता है। ये हैं बेसिक कलर्स, वन टू और थ्री। जब रेड और ग्रीन मिलेंगे तो येलो बनेंगे, इनको सेकेंडरी कलर कहेंगे। जब ये और ये मिलेंगे तो मजेंटा, और ये सियान, और जब ये तीनों मिलेंगे तो वाइट कलर होगा। इस चीज को भी याद रखें, कई बार क्वेश्चन इस पे भी आ जाते हैं। एवरी वन इज गेटिंग दिस थिंग? तो ये कुछ टॉपिक का अभी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, बहुत सिंपल चीजें हैं। मैं करूंगा कल आपके साथ डिस्कस, फिर मैं एक टॉपिक और पकड़ूंगा जी, दैट इज बेसिकली ऑन द टॉपिक ऑफ व्हाट इज बेसिकली ऑन द टॉपिक ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि लाइट के साथ ही करेंगे, उसके बाद साउंड पढ़ेंगे। ये चार पांच टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आने ही हैं। और भी फिजिक्स के टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिसिटी, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जिनको भी अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना है, हु वांट टू प्रिपेयर फॉर सीडीएस एंड सीएफएफ वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन एंड चेक आउट ऑल द क्लासेस ऑन दीज लाइट्स एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड वेरी थॉरली ऑन दिस सेशन। राइट एवरीवन? तो आज के लिए इतना ही जी, कल फिर मिलेंगे, कल कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे। उस पे भी बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता, गक्स विमर बात करेंगे, ये क्या चीज़ है जी, GXUVIMR, इस पे कल डिस्कस करेंगे एट द सेम टाइम। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड डू शेयर दिस
वीडियो विद अदर पीपल. थैंक यू. जय हिंद जी.